क्लास 12th का मैथ्स और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4. इस एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, दैट इज दिस, इसे हम वेज भी बोलते हैं, राइट. ऑन द सेट एक सेट गिवन है जिस पर ये ऑपरेशन हम लगाने वाले हैं, राइट. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. ये हमारा सेट है जिस पे हम इस ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड बाय इसे डिफाइन कैसे किया गया है वो हम देखते हैं. ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी. जो हमारे पास ए बी है, जब हमने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए बी पे, तो ए बी का जो मिनिमम है वो हमारा आंसर आएगा, राइट. राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस. वी हैव टू राइट द ऑपरेशन टेबल, ठीक है. अब ऑपरेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे? हमने हमारे लाइव लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑपरेशन टेबल किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे हमारी ऑपरेशन टेबल. सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है दैट इज़ अ मिनिमम. यहाँ पर क्या ऑपरेशन है हमारा, ये, ठीक है. अब आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर इस सेट पर डिफाइन है, मान लीजिए सेट ए है, राइट, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो है ये. तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, राइट. यानी कि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेट ए से होंगे. तो ये जो फर्स्ट वाला ए है, यहाँ पर उसके एलिमेंट्स दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब देखते हैं ये जो सेकेंड ए है उसके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे, वो हम लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. ये हमने ड्रॉ कर दिया. ये है हमारी ऑपरेशन टेबल ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ डिफाइंड ऑन अ सेट ए. अब कैसे बनाएंगे ये टेबल देखते हैं. हमारा जो ये यहाँ पर जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या देता है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी. ए और बी में से जो भी मिनिमम होगा वो हमें मिलेगा एज आंसर, राइट. तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 1, 1, अगर मैं एलिमेंट्स लूँ 1, 1, तो 1, 1 का मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, राइट. सिमिलरली 1, 2 का मिनिमम क्या होगा, 1. देन 1, 3 का मिनिमम अगेन 1. 1, 4, 1 और यहाँ पर भी 1, राइट. अब बात करते हैं मिनिमम ऑफ नेक्स्ट जो हमें निकालना है, दैट इज़ 2, 1. यहाँ पर भी 1. 2, 2 मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास. 2, 3 यहाँ 2, फिर से 2 और यहाँ पर भी 2. कैसे निकाला मैंने, मैंने किया 2, 2 का मिनिमम, देन 2, 3 का मिनिमम, 2, 4 का मिनिमम एंड 2, 5 का मिनिमम. नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं लूँ 3, 1 तो मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, राइट. अगर मैं लूँ 3, 2 इस बार मिनिमम आ जाएगा हमारा 2. 3, 3 मिनिमम इज़ 3. 3, 4 मिनिमम इज़ 3 अगेन एंड 3, 5 मिनिमम इज़ 3 हेयर. अब 4 को ले लेते हैं यहाँ से, 4, 1 मिनिमम क्या होगा, 1. 4, 2 मिनिमम होगा 2. 4, 3 यहाँ 4, क्योंकि 4, 4 में से मिनिमम 4 और 4, 5 में से 4. अब 5 के साथ हर एक एलिमेंट का हम देखेंगे मिनिमम, राइट. तो 5, 1 इज मिनिमम इज 1. 5, 2 देन 2. 5, 3 का मिनिमम 3. 5, 4 का मिनिमम इज 4 एंड 5, 5 का मिनिमम क्या हो जाएगा, 5. तो ये जो मैंने टेबल अभी ड्रॉ की है, ये आपकी क्या है, ऑपरेशन टेबल फॉर दिस ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ डिफाइंड एज दिस ऑन द सेट ए.
ये क्या है हमारी, ये है ऑपरेशन टेबल. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन था, ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो रिजल्ट में हमें मिनिमम देता है ऑफ टू नंबर्स. जो भी यहाँ पर जिन नंबर्स पे वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया है उनका क्या देता है, मिनिमम देता है, राइट. अब हमने क्या किया, हमने डिफाइन कर लिया ऑन दिस सेट ए और हमने उसके बाद बनाई ऑपरेशन टेबल. ऑपरेशन टेबल इस बाइनरी ऑपरेशन की. यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर हम, यहाँ पर जो फर्स्ट सेट होता है ए उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं सेकंड सेट के, ये ए. और जो यहाँ पर आया ये रिजल्ट्स आए हैं जब हमने इसका इसका मिनिमम देखा, वन का टू का मिनिमम देखा, तो इस तरह से मिनिमम देखते हुए हमने ऑपरेशन लगाते हुए ये रिजल्ट्स फाइंड आउट किए. ये हमारी बन गई ऑपरेशन टेबल, राइट. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बस ये देखना था कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, और सेकंड थिंग क्या थी, हमें उसकी ऑपरेशन टेबल बनानी थी, राइट. और ये देखा था हमने कि सेट जो है वो ए है, दैट इज़ सेट 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी ऑपरेशन टेबल ड्रॉ कर ली. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.